क्या यार आज ब्लॉग कुछ नया ब्लॉग आया है? अब तो तुम डेली डालती हो ना, मैं हमेशा यही देखती हूँ यार आज राधिका का ब्लॉग नहीं आया, यार आज राधिका का ब्लॉग नहीं आया। और सबसे बेस्ट पार्ट मुझे ब्लॉग में ये लगता है कि यार तेरे पापा हमेशा बनियान में रहते हैं और बड़े क्यूट से पापा यार तेरे, बिल्कुल हमेशा मेरी आपकी फादर्स डे टू में, ठीक है? तो मुझे अपने फादर की याद आ जाती है यार, है ना? तो बड़े क्यूट है यार वो, बहुत ज्यादा क्यूट है, मम्मी से ज्यादा क्यूट हुए हैं। हैप्पी फादर्स डे बोल रही हूँ आपको, थैंक यू बोल दो। थैंक यू। ब्लॉग में आ रहे थे आप? आज हमारी प्यारी चाची ने हमें कढ़ी चावल भेजे। गाइस ये संजय चाचा थे और हस्बैंड, हाँ धर्मपति, और अजरा चाची हमारी प्यारी चाची। अभी मैं, नन्नू, आरती, मम्मा जा रहे हैं। अजय चाची कढ़ी चावल बहुत सेक्सी था। अभी मैं, नन्नू, आरती, मम्मा जा रहे हैं ऐसे ही बाहर चक्कर काटने। नन्नू चला रहा है ऑटोमेटिक गाड़ी, इसको मैनुअल की ज्यादा आदत है, बड़ी चलाता, बहुत अच्छी गाड़ी है। सो पीपल, अभी हम मस्त घूम रहे हैं किरित के साथ। ये मेरा हाथ लग के खुल गया, उसी के मोमोज खाने जा रहे हैं जिसके हम उस दिन वेज मोमोज मिले थे। आज हम नाम देख के आएंगे, राहुल पिज्जा वाले के बिल्कुल सामने। ज्ञान नाम है उसका, किरित को पता है। अभी जस्ट हमने मोमोज ऑर्डर करे हैं और मस्त एंजॉय करेंगे। हाफ प्लेट मोमोज खाने के लिए हम स्पेशली आए हैं। क्या लगता है मोमोज पार्टी वाले डे है? ये ना सेक्टर 12 वाले मोमोज हैं, ये बहुत टेस्टी लगते थे हमें, तो एक बार हम इधर भी आए खाने, वो तो है ही बेस्ट। नन्नू और आरती गए हैं हॉस्पिटल, बाटला हॉस्पिटल, दादा की दवाई लेने के लिए। दादा की कुछ दवाई खत्म हो रही थी तो फटाफट ये दवाई लेके आएंगे, फिर हम घर चलेंगे। और मैं बीच में एक रेडी देखूंगी जहाँ पे मुझे ऑरेंज बार आइसक्रीम मिल जाए। सो देखो, वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव योर सेल्फ सम गुड टाइम, सब सब आते जा रहे हैं। सो पीपल, अकॉर्डिंग टू मी, ज्ञान मोमोज के मोमोज बहुत अच्छे थे, जो सेक्टर 15 में है, कम्युनिटी सेंटर के पास। कम्युनिटी सेंटर बोलते हैं जो भी है, जो मतलब ट्यूशन सेंटर्स के आसपास है। मुझे काफ़ी अच्छा लगा उसका यार मोमोज, क्योंकि यार ऐसे मोमोज ना मेरे को लगता है सोनीपत में मैंने खाया ही नहीं है। पहली चीज़ तो उसकी जो लेयर थी ना बड़ी थिन थी, थिक नहीं थी, और टेस्ट भी अच्छा था। उसके वेज मोमोज भी अच्छे थे, उसके पनीर वाले भी थे, और जिसकी केचप थी वो तो और भी अच्छी थी, जो भी उसके डिप होती है ना वो वाली। सेक्टर 12 के तो एज यूजुअल अच्छे होते हैं, लेकिन इसके मुझे सेक्टर 12 से भी अच्छे लगे। सो अगर कोई भी सोनीपत से वहाँ जाता खाने पीने तो ज़रूर जाए। मैं तो बोल के भी आई थी कि भैया ने काफ़ी अच्छे बनाए थे पनीर मोमोज, पहली बार जब हम गए थे तो हमें वेज मिले थे, दूसरी बार हम गए तो हमें पनीर मिल गए। सो ये व्लॉग यहीं तक का था। टिल देन डू कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। एंड हमारे 2K सब्सक्राइबर्स बहुत जल्दी होने वाले हैं, सो प्लीज़ जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो।